الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله الى كافه للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعلمائنا حقه <applause> او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم मेरे मुआजत सामीन और नाजरिन प्यारे पैगम्बर सल्लाम की जो हदीस से मुबारक मैंने आपके सामने तलावत की है इस हदीस मुबारक में प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातें बयान फरमाई हैं। फरमाया कि जो आदमी हमारे बड़ों की इज्जत छोटों पर शफकत और की कदर न करे तो वो मेरी उम्मत में से नहीं है अल्लाह फरमाते हैं कि प्यारे पेगम्बर की खदमती अकदस में एक बुजुर्ग हाजिर हुए क़राम सब रिजवान अज़माइन ने उन्हें जगह देने में जरा देर कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वई सुनाते हुए इरशाद फरमाया लई समी ना यरहम हम वलम रना वम युर मैं जिसने हमारे छोटों पर शफक़त नहीं की और हमारे बड़ों की इज़्ज़त नहीं की वो शख्स हम में से नहीं है अब्दुल्लामिन आस रजील् तौन की रवायत के अल्फ़ियों में लई समीर ना वलम वमारिफ हक़ कबीरना पर मैं उस शख्स काम से कोई ताल्लक नहीं जिसने हमारे छोटों पर रहम न किया और हमारे बड़ों की कदर व मंजिलत को न पहचाना अदबो म रजी अल्लाह तु रवात फ़रमाते हैं प्यारे अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया मैं अपने बाद वाले खलीफा को अल्लाह तबारक तआला से डरने की वसीयत करता हूँ और उसे मुसलमानों की जमात के बारे में ये वसीयत करता हूँ कि वह मुसलमानों के बड़ों की ताज़ीम करे उनके छोटों पर रहम करे उनके की इज्जत करे लोगों को ऐसा न मारे कि उनको जलील कर दे उनको ऐसा न डराए कि उनको काफिर बना दे उनको खसीन न करे कि उनकी नस्ल को ख़त्म कर दे और अपना दरवाज़ा उनकी फरियाद के लिए बंद न करे कि इसकी वजह से कभी लोग कमज़ोरों को खा जाएं और जुल्म आम हो जाए प्यारे पैगम्बर वसल्लम ने बहुत से मकामात पर नरमी और मेहरबानी का दामन थामने की नसीहत इशाद फरमाई एक मौक पर प्यार पेगम सल्ला ने शाद फरमाया खब अब्दुलआ सीरा लमे जाल तल भी रहमत बशर फरमाया वो आदमी ना मुराद हुआ घाटे में हुआ कि जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तला ने इंसानियत के लिए नरमी का मादा नहीं रखा बड़ों के अखलाक का बड़ों के किरदार का बड़ों की गुफ्तार का छोटों के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है अगर घराने के बड़े लोग बाकिरदार हों साहेब अखलाक हों और बामल हों तो छोटे भी एतात खदमत और फर्माबर्दारी के अंदर अपनी मिसाल क़ायम कर देते हैं लेकिन अफसोस कि आज मुस्लिम माशरे के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि छोटों में बड़ों का अदब नहीं रहा और बड़ों के अंदर छोटों पे शफक़त नहीं रही जबकि हमारे प्यारे पैगम्बर सल्म बच्चों पर इंतहाई शफकत फरमाया करते थे प्यारे पैगम्बर वसल्लम बच्चों के मिजाज का ख्याल रखते उन्हें अपनी गोद के अंदर बिठाते उनसे प्यार करते और बच्चों की दिलजोई फरमाया करते थे अब हरे रजी अल्लाह फरमाते हैं कि प्यारे पैगम्बर सल्लम की ख़दमत में जब किसी मौसम का नया फल लाया जाता صلى الله وسلم پہلے دعا فرماتے اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمرتنا وفي مدنا وفي سعينا بركة ما بركة اے اللہ ہمارے ماري ہمارے شہر میں ہمارے پھل میں ہمارے مد میں اور ہمارے बरकत अथा फरमा और इसके बाद फिर पगम उस फल को कम उम्र बच्चों में तकसीम फरमा देते थे सबसे पहले जो मजलिस के अंदर सबसे छोटा बच्चा होता उसको फिर सबसे पहले वो फल दे देते थे एक मरतबा उम्मी के इन तफाश अपने एक शीर ख्वार दूध पीते बच्चे को लेकर के प्यारे अलैहि वसल्लम की ख़िदमत अकदस में हाजिर हुए तो प्यारे अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया उस बच्चे ने प्यारे अलैहि वसल्लम के कपड़ों के ऊपर पेशाब कर दिया तो आप ने अपने कपड़ों के ऊपर पानी बहा दिया और ज़रा भी ना गवारी का इजहार ना फरमाए हज़रत अबू हर रजी अल्लाह तरशाद फरमाते हैं कि एक मरतब प्यार पैगमर सल्स हमारे पास तशरीफ़ लाए इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु के साथ हज़रत हसन रजी अल्लाह तजरत हुसैन रजी अल्लाह तन भी थे हज़रत हसन रजी अल्लाह तन को एक कंधे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार किया हुआ था और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को दूसरे कंधे पर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हजरत हसन रजी अल्लाह तआला को प्यार फरमाते और कभी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को और इसी हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ ले आए एक आदमी ने कहा या रसूलुल्लाह वसल्लम आपको इन दोनों से मोहब्बत है तो प्यारे पे महमद्स ने शाह फरमाया जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इनसे से रखा उसने मुझसे बगज़ रखा और उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तरमाते हैं कि प्यारे पी महमद्स मुझे पकड़ कर अपनी दाएँ रान पर बिठा लिया करते थे और हज़रत हसन रजी अल्लाह को अपनी बाएं रान मुबारक पर बिठा लेते थे और फिर हम दोनों को अपने साथ चिमटा करके यूं दुआ फरमाते थे अल्लाह मैं इन दोनों पर रहम करता हूँ तू भी इन दोनों पर रहम फरमा बाद बायत के आया कि ए अल्लाह मैं इन दोनों से मुहब्बत करता हूँ तू भी इन दोनों से मुहब्बत फरमा अल्लाह अबूरे ने फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोग प्यारे पैगम्बर सल्लेम के साथ शाह की नमाज़ अदा कर रहे थे प्यारे पैगम्बर सल्लाम जब सजदे में जाते हैं तो हजरत रजत हुसैन रज़ी अल्ला नुमा कूद कर आप की पीठ मुबारक पर चढ़ जाते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाते हैं तो नरमी से पकड़ करके उन दोनों को अपनी पीठ से उतार देते और फिर जब सल्लल्लाहु अलैहि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सजदे में जाते तो ये दोनों फिर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर चढ़ जाते प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पूरी कर ली तो दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रानों पर बिठा लिया हैं, मैं फरमातमी हजू स खिदमत में हाजिर हुआ और आरज़ किया यार रसूलुल्लाह इन दोनों को घर छोड़ा हूँ और मैं इतने में बिजली चमकी तो प्यार फिगमर सल्ला ने उन दोनों से फरमाया कि अपनी माँ के पास चले जाओ दोनों चल पड़े और जब तक अपनी वालदा मुख्तरमा के पास नहीं पहुँच गए फरमाया बिजली जू की तू चमकती रही अरत अब अनुसारी रजी अल्लाह तरमाते हैं कि एक दिन में प्यारे पैगम्बर सल्म की खिदमत में हाजिर हुआ अरतन आजत हुसैन रजी अल्लाह तुमा दोनों आपके सीना मुबारक पर चढ़े खेल रहे थे मैंने ऐस किया यार रसूल आप इन दोनों से इस दर्जा मुहब्बत करते हैं प्यारे पैगम्बर सल्ल फरमाया क्यों नहीं ये दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं अजबनी अब्बास तु उस रवायत है कि एक मरतबा प्यारे पैगम्बर सल्लम अपने दोषी मुबारक पर हजरत हसन बिन नाली रजी अल्लाह तु को ले जा रहे थे एक शख्स ने देखा तो कहा ने मल मर कबू रकब तया गुलाम साहबजादे बड़ी अच्छी सवारी पर बैठे हो ये सुन कर प्यारे पैगम्बर सल्लम ने शाद फरमाया वन मर राकिब हुआ सवार भी तो बेहतरीन है अदत नईम रहमहुल्ल बयान फरमाते हैं कि मुझसे अबूर रजी अल्लाह तु ने बयान किया कि मैं जब भी अजद हसन रजी अल्लाह तु को देखता हूँ तो मेरी आंखों से मोहब्बत की वजह से आंसू निकल आते हैं उसकी वजह यह है कि एक मरतबा ये दौड़ते हुए आए और प्यारे वसल्लम की गोद में बैठ गए ने अपने हाथ से अपनी दाढ़ी पकड़ कर दिखाया कि इस तरह रीश मुबारक हाथ से पकड़ने लगे और प्यारे अलैहि सल्लम अपना दहन मुबारक खोल कर उनके मुँह में डालने लगे और फरमाते थे इन्नी ओहेब फोहेबो इससे मोहब्बत करता हूं हूँ तू भी इससे मोहब्बत फरमा ये बात प्यारे पैगम्बर तीन मरतबा दोहराई एक मरतबा प्यारे वसल्लम सर फातिमा तशी लाए हजरत फातिमा रजी अल्ला और हजरत अली रजी अल्लाह तु दो सो चुके थे जबकि हजरत हसन रजी अल्लाह तन भूख की वजह से रो रहे थे खाना मांग रहे थे प्यारे पेमरिया ने उन्हें जगाना मुनासब ख्याल न फरमाया और घर के शैर में खड़ी एक बकरी का दूध आप ने अपने दस्ते मुबारक से निकाला और राजा रजी अल्लाह तुम को अपने दस्ते मुबारक से पिलायासन रजी अल्लाह तुम ने खूब सैर होकर पिया और उनकी भूख दूर हो गई <स्युन्हार> आहल नकल करते हैं कि एक मरतबा प्यारे पेमर स सन रजी के रोने की आवाज़ सुनी आप, सुनी। आप सुनी अंदर ले गए और अपनी साहिब फातिमा रजी अल्लाह मुखातब करके इशाद फरमाया फातिमा क्या तू जानती नहीं कि हसन करो रोना मुझे बेचैन कर देता है अज़त बही रहम् फरमाते मैंने अब्दुल्ल अबिन ज़ुबैर रजी अल्लाह से पूछा आप मुझे बताएं कि लोगों में से किसकी शक्ल प्यारे पैगमर सल्लम से सबसे ज़्यादा मिलती थी तो उन्होंने फरमाया कि असन बिन अली रजील तु की प्यारे सल्लम थला को सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी इन्हीं से थी पर मैं बज दफ़ा प्यारे पैगमर सल्स सजदे में होते तो तोरत असन बिन अली रजील तु आकर प्यारे पैगमर सल्लम की पुष मुबारक पर चढ़ जाते और जब तक ये अलग ना होते आपली सजदे से सर ना उठाते बार दफ़ा प्यारे सल्लम के पेट के नीचे दाखिल हो जाते तो आप के लिए पाँव खोल देते तो वो उनके पाँव के दरमियान से निकल जाते मावी रज़ील फ़रमाते हैं कि मैंने देखा कि प्यारे पैगमर बिन अली रजी अल्लाह की ज़ुबान और होंड को चूस रहे थे और जिस जुबान और होंड को प्यारे पैगम्बर चूसा हो उसे कभी ऐसा नहीं हो सकता पर मैं एक मरतबा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ असाब के साथ एक दावत में शिरकत के लिए तसीब ले जा रहे थे क्या हुसैन एक गली में खेलते हुए नजर आए उन्हें देख कर के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़ गए अपनी बाहों को फैला लिया और हुसैन रजी रजील् तैन बचपन की मस्ती में आकर इधर उधर भागने लगे प्यारे प्यार सल्लम उन्हें हंसाने और बहलाने लगे और बिलाखरों ने पकड़ लिया फिर आप ने अपना एक दस्त मुबारक उनकी ठोड़ी के नीचे रखा और दूसरा उनके सर पर रखा फिर उनका बोसा लिया और फिर मैं उस मुझसे है और मैं से से उस से हूँ जो इससे मुहब्बत करे अल्लाह उससे मुहब्बत करे रजी अल्लाह तन फरमाते हैं कि एक मरतबा खराबिन हाबिस रजी अल्लाह तन ने हैं। प्यारे पैगम्स को देखा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तन का भरोसा ले रहे इस मंजर को देख कर वो गोया हुए या रसूल मेरे दस बच्चे हैं लेकिन मैंने उनमें से किसी के साथ कभी प्यार नहीं किया किसी का भरोसा नहीं लिया उनकी बात सुनकर प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया मलायर हम जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता एक रवायत के अंदर केजर अब्दुल्ला इबनी अमर रजी अल्लाह तुम फरमाते मैंने एक मरतबा देखा कि प्यार पर बैठे हुए लोगों में बयान फरमा रहे हैं कि इतने में आज़रत हुसैन इब्न अली रजी तन घर से निकले उनके गले में कपड़े का एक टुकड़ा था जो लटक रहा था और जमीन पर घिसट रहा था कि उसमें उनका पांव उलझ गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े प्यारे पैगम्बर वसल्लम ने उन्हें उठाने के लिए मिंबर से नीचे उतरने लगे साहब इकराम रिजवान अजमाई ने जब हुसैन रजी रजील्ला तुम को गिरते हुए देखा तो उन्हें उठाकर प्यारे पैगम्बर वसल्लम के पास ले आए प्यारे पैगम्बर अलैहि वसल्लम ने उन्हें उठा लिया और फर्मा शैतान को अल्लाह मारे अवलाद तो बस फितना और आजमाशी ये अल्लाह की कसम मुझे पता ही न चला कि मैं मेबर से कब नीचे उतर आया मुझे तो बस उस वक़्त पता चला जब लोग इस बच्चे को मेरे पास ले आए तो यह दीन इस्लाम इस्लाम शफकत मोहब्बत और अहतराम का दीन है कि इसमें छोटों पर शफकत और बड़ों का अहतराम फर्ज करार दिया गया है पर मैं कि जो शख्स छोटों पर शफकत और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वो मुकम्मल इंसान नहीं हो सकता हर अच्छे अमल और नेकी के बावजूद वो नाकिस और नामकम्मल मुसलमान है यही वजह है कि दीन इस्लाम ने इबादत के साथ साथ अहतराम इंसानियत का दर्श भी दिया है और आप ने सिलसिले में जहां बेशुम बयान फरमाए वहां अमला छोटे बच्चों पर शफकत और बड़ों की कदर मंज़िलत को वाज फरमाए तबारको तला कुरान करीम के अंदर शाद फरमाते मुसलमान ग़ुला मुशरक आज़ाद मर्द से कहीं बेहतर है खा वो मुशरक़ मरद तुमको कितना ही भला क्यों न मालूम होता हो उमुल सहीदाहषा सदी करदी तरमाती हैं अमरा ना है। रसूल सीम प्यारे पीगम ने इस बात का हुम फरमाया कि हम लोगों के साथ उनके मरातब और उनके मनाजिल के अतबार से बर्ताव किया करें करेंों सईद सईदाता हिर सदी करद अल्लाह दूसरी रवायत के अंदर फरमाती हैं कि प्यारे बैगमर सल्लम ने शाद फरमाया मनाज़िल लोगों को उनके दर्जा में उतारो यानी उनके मकाम और मरतबे को मद नज़र रखते हुए उनके साथ बर्ताव करो उनके साथ पेश आओ और मैं एक दफ़ा प्यारे पेगम्बर सल्ला व्म की खिदमत एक दस में चंद अफाद आए बात का आगाज़ बड़ों के बजाय एक नौमर बच्चे ने शुरू किया तो प्यारे पेगम्बर सल्ला व्ल् ने फ़ौरन उसे टोक दिया और फरमाया कबिर कब बिर कब बड़े आदमी को आगे करो बड़े आदमी को आगे करो चनाचे वह नौम्र लड़का खामोश हो गया और बड़े आगे हुए उन्होंने बात शुरू की मालूम हुआ कि अगर मजलिस की अंदर बड़े मौजूद हों तो पहला हक हाँ बड़ों का है कि वो बात करें हाँ अगर अहिल मजलिस में से कोई नौमर शरफ़ में फजल में अकल में फेहम में ज़्यादा हो तो वो बड़ों की इजाजत के साथ बात कर सकता है सहीदी अब्दुल्ल अबनी ममर ने कहते हैं कि प्यारे पेगमिल्लासन फरमाया मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा कि मैं मसवाक कर रहा हूँ अचानक मेरे पास दो आदमी आ गए उनमें से एक दूसरे से बड़ा था मैंने मसवाक छोटे को पकड़ा दी तो मुझे कहा गया कि बड़े को दे दो चुनाचे मैंने वो मसवाक छोटे से लेकर के बड़े को दे दी। अल्लाह सजील्लाह तलानु फरमाते हैं कि मैंने प्यारे पिगमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशात फरमाते हुए सुना, मंसर रहो, अइन्ह मुद्दलहो फिर उम्री ही, वइज़ादुलहो फिर रिश्की ही, फल यबीर वाली देही, वल यसिल फरमाया जिस शख्स को ये पसंद हो कि उसकी उम्र दराज की जाए उसको लंबी उम्र अता की जाए उसके रिजक को बढ़ा दिया जाए उसके रिज़क के अंदर बरकत पैदा हो तो उसको चाहिए कि वह वा अपने वाले इनके साथ अच्छा सुलू करे और अपने रिश्तेदारों के साथ सिलारे में करे आज हमारी नौजवान नस्ल के अंदर बड़ों का अहतराम नहीं रहा वो बड़ों को अपने लिए वाल जान समझते हैं और बात बक़्त तो ऐसे भी हैं कि जो अपने सगे हकीकी वालदेन को अपने लिए बोझ समझते हैं जबकि बुज़ुर्गों का घर के अंदर होना फरमाएँ कि ये बाय से बरकत है बुज़ुर्गों के मशवरे से बुज़ुर्गों के तजर्बे से छोटों की बेहतरी और सलामती का सामान जो है वो बनता है और जब बुजुर्ग इस दुनिया से रखसत हो जाते हैं तो घरों के अंदर नहुसत, बेबरकती बेसकून बढ़ जाती है ख़ानदानों के अंदर नफ़रतों और नाचाकियों की जड़ जो है वो पड़ जाती है इसलिए प्यारे फम्बर सल्लास नशात फरमाया अलबरा का तुमकाबी को पर मैं बरकत बड़ों के साथ है ऐसे खुश नसीब जो पाकबाजी और इबादत गुजारी और परहेजगारी में बूढ़े हो गए जिन्होंने सारी ज़िंदगी मस्जिद से वफा करते हुए नेकियों में बसर की उनकी इज्जत करना उनका अखतराम करना, करना उनका कहना मानना उनकी खदमत करना उनके इज्जत और वक़ार उनके मकाम और मरतबे को मरहू खातिर रखना पर मैं ये बहुत बड़े अजर और स्वभाव का काम है هذا ابو موسى عليه رحمة الله تعالى فرماته بيارة الله وسلم نے ارشاد فرمایا إن من نجلا الله اكرام ذي المسلم وحامل القرآن فرمایا سفيد ريش مسلمان بزرق اور بعمل حافظ قاري और इंसाफ़ करने वाले हुक्मरान की इज़्ज़त करना अल्लाह की इज़्ज़त करने के बराबर जब माशरे के अंदर बुज़ुर्गों की तज़ीम न रहे उनका इकराम न रहे तो फ्रमाए कि बड़े नुकसान सामने आते हैं और उनमें से एक नुक़सान ये है कि छोटों और बड़ों के दरमियान फ़ासला बढ़ जाता है आज हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ का एहसास किया जा रहा है महसूस किया जाने लगा है कि छोटों और बड़ों के दरमियान में गैप पैदा हो चुका है दूसरा फरमा नुकसान ये होता है कि आर माशरा अपने बुज़ुर्गों को अपने घरों में बोझ समझने लगते हैं और उन बुज़ुर्गों को माशरे में अपना मरतबा और अपना मकाम बाकी रखने के लिए ओल्ड हाउस का सहारा लेना पड़ता है जैसे कि आज यहाँ हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको ओल्ड हाउसेस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है मुंतकिल कर दिया जाता है और फिर वो वहाँ पर सारे बड़ी उम्र के बूढ़े जो है वो इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं तो इस्लाम ने छोटों और बड़ों के दरमियान में इज़्ज़त और अखतराम की इस कदर तालीम दी है कि अगर इस्लामी तालीमत के ऊपर अमल किया जाए तो यकीनी तौर पर माशरे में ये फ़ासला और ये दूरी ख़त्म हो जाए और बुज़ुर्गों को माशरे के अंदर इज़्ज़त का मकाम मिल जाए तो मैं वालदे जब बूढ़े हो जाते हैं उनकी जिस्मानी क़वतें कमज़ोर पड़ जाती हैं तो उस मौके पर ज़रूरत होती है कि औलाद वालदेन की खिदमत करें अगर अवलाद वा, वालदेन से ज़रा भी बेरूखी बरती है तो वो वो सख्ती के साथ उसको महसूस करते हैं और उनका दिल इससे जख्मी हो जाता है उनको तकलीफ़ पहुँचती है इसलिए अल्लाह तबारक व तौने माँ बाप के साथ हुसनी सलूक का हुक्म दिया और ख़ास तौर पर फरमाया कि जब माँ बाप दोनों बूढ़े हो जाएँ या दोनों में से एक बूढ़ा हो जाए तो फिर उस वक़्त ख़ास तौर पर उनके साथ हुनी सलूक से पेश आओ मैं वा रब का अल्लाह तब्लाया हुआ बिल ने साना तेरे रब का ये फैसला है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालदेन के साथ अच्छा सलूक करो इमागन्नाइंदी बारा अहद हम और हुमां अगर तेरे पास तेरी जिंदगी में तेरी मौजूदगी में उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए फला तक उफ तो फिर तुम उनके सामने उफ तक मत कहना वन हर हम और उन्हें मत डांटना वो कुल कौल करीमा और फिर उनके सामने नरमी से बात करना और उनके लिए नरमी के साथ आजी का बाजू फैला देना वफ़िल जना हजमिन वबरम कमाब ग और उनके लिए अपने परवर से यूं दुआ मांगना कि ए मेरे परवर ए मेरे रब मेरे इन वालदेन पर रे फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझे पाला हमें यूँ तो ज़िंदगी के हर दौर में वाले की खिदमत ज़रूरी है लेकिन जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख लें तो फिर उनके जज्बात का एहसास का और ज़्यादा भी एहसास करना चाहिए उनकी दिलदारी की अहमियत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बुढ़ापे की कज़ा में इंसान को छोटी छोटी बातें भी खटकने लगती हैं उसका दिल चाहता है कि मेरी खिदमत की जाए मेरी मुसीबतों बीमारियों परेशानियों का बोझ हल्का किया जाए मैं कभी यूं भी होता है कि बुढ़ापे की वजह से इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है उसके हवास के अंदर एतदाल नहीं रहता उसकी अकल के अंदर ऊफ़ और कमज़ोरी आ जाती है। मैं ऐसे मौके पर समझदार औलाद को चाहिए कि फूंक फूंक कर कदम रखे और सोच समझ करके उनके सामने ज़ुबान खोले જરાસી બેاحتیاطી બુઢેરા વાલદેન કે દિલ કો ઠેસ પહોંચા સકતી અને ان કા દિલ ટૂટ સકતા હે જો બડી મુશ્કિલ સે જુડતા હે તો ઇસ લિયે ફરમાયા કે વાલદેન કો બઢાપે કેંદર ખાસ તોર પર ان કે સાથ હસન સુલૂક એહસાન કા મામલા કરો इसी तरीके से अलैहि वसल्लम ने सदी से मुबारक में फरमाया कि तीसरी चीज़ इलम का इज़्ज़त करना इस्लाम की क़दर करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि उलमा इस्लाम की कदर न करने वाला भी हमारे तरीक़े और हमारे मनहज से हटा हुआ है की अहले इस्लाम के ईमान का हिस्सा है और दीन की बहारें हजरात अहले इलम की वजह से कायम है अल्लाह फरमाते हैं कुल हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून आप फरमा दीजिए क्या इलम वाले और बे इलम बराबर हो सकते हैं एक हदीस में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अकरिमुल उलमा

इलम तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाज़त तुम्हें करनी पड़ती है फरमा इलम आम करने से बढ़ता है और माल खर्च करने से घटता है आलम की महब्बत दीन है जिसका अल्लाह के यहाँ बदला मिलेगा इलम की वजह से आलम की ज़िंदगी में उसकी बात मानी जाती है और उसके मरने के बाद उसका अच्छाई से तस्करा किया जाता है ताला ने उस्ताद के आदाब को इन अल्फाज के साथ बयान फरमाया पर मैं तुम्हारे उस्ताद का ये हक है कि तुम उससे सवाल ज़्यादा न करो और उसे जवाब देने की मशक्क़्त किए ना डालो उसे मजबूर न करो अ मैं जब वो तुम से है मुंह दूसरी तरफ फेर ले तो फिर उस पर इसरार न करो जब वो थक जाए तो उसके कपड़े न पकड़ो और न हाथ से उसकी तरफ इशारा करो न आंखों से अपने उस्ताद की तरफ इशारा करो पर मैं अपने उस्ताद की लफ्जश तलाश न करो अगर उससे कोई लफ्जश हो जाए तो तुम उसका लफ्जश से रुजू का इंतज़ार करो और जब वो रजू कर ले तो तुम उसे कबूल कर लो फर मैं अपने उस्ताद से ये न कहो कि फ़लां ने आपकी बात के खिलाफ बात कही है उसके किसी राज को इफ्शा न करो फिर उसके पास किसी की किबत न करो और अपने उस्ताद के सामने और उसके पीठ पीछे दोनों हाथों में उसके हक का ख्याल रखो फिर तमाम लोगों को सलाम करो लेकिन ख़ास तौर पर अपने उसको सलाम करो उसके सामने बैठो अगर उससे कोई ज़रूरत हो तो दूसरों से आगे बढ़ कर के उसकी ज़रूरत को पूरा करो उसकी खिदमत करो और फर्मा कि उसके पास जितना वक्त भी तुम्हारा गुजर जाए तंग दिल हो ना होना क्योंकि ये आलम खजूर के दरफ़्त की तरह है जिससे हर वक्त किसी न किसी फ़ायदे के हुसूल का इंतज़ार रहता है मैं ये आलम उस रोजेदार के दर्जा में जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा हो जब ऐसा आलिम मर जाता है तो इस्लाम में शिगा पड़ जाता है जो क्यामत तक पुर नहीं हो सकता किस कदर ताकीद की गई है उलमा के अदब एहतराम की इस के अदब एहतराम की अल्लाह तबारक व ताली हमें इस पर अमल पैरा होने की तोफ़ी नसीब फरमाए सुबह नमदी कर